अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगी। तो आज मेरी मॉर्निंग सुबह की चाय से स्टार्ट होती है, और किस किस को सुबह चाय पीना बहुत पसंद है। बहुत से लोग उठकर पानी पीते हैं, लेकिन मैं जब तक चाय ना पी लूँ मेरी सुबह नहीं हो सकती। तो सुबह सुबह मैंने फ्रेश दूध की चाय बनाई और चाय पी, फिर जल्दी मैं सीधा तैयार होने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत भगदौड़ मच जाती है, बहुत लेट हो जाते हैं। एक तो मैं लेट उठ रही हूँ, अभी फ़िलहाल कोई टाइम टेबल नहीं चल रहा है, तब से मैंने लाइब्रेरी की छुट्टी की है तब से। तो अब मैं टाइम टेबल बहुत अच्छी तरीके से बनाऊंगी, उसी के हिसाब से चलूंगी। तो मैं तैयार तो हो गई थी, लेकिन अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। वो बाहर से आवाज़ लगा रही थी, तो हम दोनों मिले और सीधा ऑटो में बैठे और लाइब्रेरी के लिए निकल गई। क्योंकि हम सुबह सुबह ना बहुत लेट हो जाते हैं, अभी कोई टाइम टेबल नहीं है, इसके हिसाब से शायद हम लेट हो रहे हैं, वरना हम जल्दी जग जाते हैं। और शायद मैं मॉर्निंग में घर पे कभी कभी काम भी कर जाती हूँ, लेकिन अभी ना काम कर पा रही, ढंग से नहा धो भी नहीं पा रही, सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। तो ये थी मेरी दोस्त जिसका नाम है निधि, और हम दोनों पहुँच गए अपनी लाइब्रेरी के बाहर थोड़ी सी मस्ती मजाक करते हुए, क्योंकि तभी है ना अंदर हम इतनी देर तक क्लास ले पाते हैं। अटेंडेंस लगाई, अटेंडेंस लगाना जरूरी होता है, सुबह एंट्री फिल करनी होती है, तो वो लगाई। वहाँ सामने स्कैनर रखा था, तो हम उसके साथ मस्ती कर रहे थे कि ये मेरा स्कैनर है निधि, पैसे ट्रांसफर कर दे। तो वो कह रही है अगर मैं ट्रांसफर भी कर दूंगी तो सर के पास पहुंच जाएंगे, मतलब लाइब्रेरी वाले भैया के पास, हमारे पास कुछ नहीं आएगा। अब चलते हैं अंदर, ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी लाइब्रेरी, और जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं, इसे तो हम मजाक में भी कुछ गलत नहीं बोल सकते। ये है मेरी सीट जहाँ मैंने सरस्वती माँ को प्रणाम किया और अपनी क्लास लेना स्टार्ट की। उससे पहले थोड़ी हमारी मस्ती हो रही थी, वो मेरी सीट खींच रही थी, मैं उसकी सीट खींच रही थी। फिर मैंने बोला बहुत हो गई, अब क्लास लेते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट में मैंने कंप्लीट किया मैथ, जिसमें मैं मैथ की क्लासेस ले रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप बताओ कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, पता है मेरा क्या हुआ था? मैंने ना एसएससी जीडी की प्रॉपर क्लासेस तो ली थी, लेकिन मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। ऐसा है ना, कभी किसी के साथ आया कि उसने प्रॉपर सारी क्लासेस ली हों, लेकिन बाद में इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि हमने मेहनत तो पूरी की है लेकिन हम एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए। तो यार इतना दुख होता है ना उस टाइम, बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, इसलिए लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाते। आज मेरे को समझ आ गई, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि इंसान इतनी मेहनत करते हैं तो एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आते, वहाँ क्लासेस कम क्यों, मतलब सीट क्यों खाली रहती हैं। तो अभी समझ आ रही है, क्योंकि मैं खुद नहीं देने गई थी। अभी ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई, अभी देने का चांस हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैंने सेकेंड स्लॉट में साइंस कम्प्लीट की, क्योंकि आपको पता है डीएसएसबी में भी साइंस आ रही है, आरपीएफ में भी साइंस है, सीटेट में भी साइंस आती है, और एसएससी सीपीओ में भी साइंस है, जो जो मैंने एग्ज़ाम फिल किए हैं। तो मैं साइंस की प्रॉपर क्लास ले रही थी, और जहाँ से मैं टिक भी लगा रही थी, मतलब एमसीक्यूज़ वगैरह भी फिल कर रही थी कि मैं कितना कर पा रही हूँ कितना नहीं। तो मैंने 1-1.5 घंटे साइंस की क्लासेस लेने के बाद, उसके बाद मैं फ्री हुई, थोड़ा रेस्ट लिया, और मेरी फ्रेंड ये सब खा रही थी जो मेरे को नहीं दे रही थी। और मैंने देखा तो उसने केले और चीकू लेके आई थी, जो कि केले तो उसने ख़त्म कर दिए थे, मेरे से कह रही थी तू चीकू खा ले मोटी तो भी हो जाएगी। तो मेरी खुद खाने की हालत कुछ ऐसी थी, मैं उससे मजाक मजाक में कह रही थी, वो कह रही थी कि स्पून लेके खा। अरे बस रहने दो यार, हम इतने भी अंग्रेज नहीं हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो वो कह रही थी तो कुछ भी है ना, कहीं भी कुछ भी करने लग जाती है, तेरी कोई पता नहीं। तो हम दोनों थोड़ी सी मजाक मस्ती करते रहे बहुत देर तक, और हमें हंसी इतनी आ रही थी कि मतलब वो कह रही थी कि ब्लॉग बना रही है, उसमें कम से कम अच्छी तरीके से तो दिखा, मतलब ऑनेस्ट ना रहूँ, जो खा रही हूँ वो ना दिखाऊँ, एक्स्ट्रा दिखा दूँ कुछ भी। तो मैं ऐसा नहीं करती, जो भी मैं करती हूँ वो आपको रियल दिखाती हूँ, एकदम क्लियर दिखाती हूँ, जो भी है वही है। तो अभी हम चलते हैं थर्ड स्लॉट पर, जिसमें मैंने यूपीएससी के कंप्लीट किया। मैंने कल टिक लगा दिया था, मैंने कहाँ तक रिवीजन किया है, आज मेरी क्लास फिफ्थ थी, मैंने फोर्थ तक रिवीजन कर लिया है। ये मैंने अंकित विद रोजगार से नोट्स निकलवाए थे, और आप सबको नोट्स बहुत चाहिए होते हैं, आप लोग कहते हो। तो मैंने ये क्लास फिफ्थ स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसा है मैं क्लास फिफ्थ ऐसे धीरे धीरे सारी क्लास कंप्लीट कर रही हूँ, मैं दोबारा से सारा पढ़ रही हूँ। और इतना ज़रूरी है ना यूपी जीके के, मैंने देख लिया था यूपी जीके में इतने क्वेश्चंस आए थे यूपी पुलिस में, यूपी जीके की तरफ से ज़्यादा ज्योग्राफी के नहीं थे, इकोनॉमिक्स के नहीं थे, सारा नॉर्मल क्वेश्चंस भरे हुए थे। तो मैं अब की बार कुछ नहीं छोड़ना चाहती कि हमें पेपर एग्जाम की भी पता हो, ऐसा ना हो अब की बार डिफिकल्ट आ जाए, बहुत डर भी है। तो अभी मैं ये बता रही थी कि मैं अपनी दोस्त मेरी क्या कर रही है वो देखते हैं। तो
मैं देख रही थी, जो वो पढ़ रही थी मतलब क्लासेस अपनी कंप्लीट कर रही थी, तो मैं उसे छेड़ने लग गई कि तू भी मेरे को नहीं पढ़ने देती कभी कभी, अभी मैं तेरे को भी नहीं पढ़ने दूंगी, और लाइब्रेरी में देखती हूँ अभी तक कोई आया है या नहीं आया। थर्ड स्लॉट करने के बाद भी अभी सिर्फ दो लड़के बैठे थे क्लास में, मतलब लाइब्रेरी में, और अभी तक कोई नहीं आया था। मतलब सोच रहे हो हम कब तक पढ़ते हैं और बच्चे कब तक नहीं आते। कभी कभी ऐसा लगता है लाइब्रेरी में हम दोनों ही पढ़ने आते हैं सिर्फ। और थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने के बाद हमने स्टार्ट किया रीजनिंग की क्लास लेना, तो रीजनिंग के एग्जाम पूरे के मेरे पास नोट्स थे पूरे पीडीएफ। उसमें ना क्या है कि उसमें समरी भी है, उसमें क्वेश्चन का सारा कुछ आंसर भी है, और उसमें क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं वो सारा कर रही थी। और मैंने अपना नोट पैड निकाला और एग्जाम स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें एक क्वेश्चन था कि परिवार था, कुछ क्वेश्चंस लिख रहे थे, और दूसरा क्वेश्चन था राजस्थान जापान और भारत का कैसे बनेगा, और एक था पति पत्नी और परिवार। ये बहुत ईजी है आई नो, लेकिन मैं है ना स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस लगा रही हूँ धीरे धीरे, ना तो ईजी छोड़ रही ना डिफिकल्ट छोड़ रही, सब कुछ कर रही हूँ। अब मेरा फोर्थ स्लॉट चलता है हिंदी, आई थिंक फिफ्थ स्लॉट है या फोर्थ स्लॉट है, मेरे को ध्यान नहीं है। तो मैं हिंदी कर रही थी, हिंदी तो मैंने काफ़ी टाइम तक ली, मतलब मैं पढ़ते पढ़ते भी पक गई, नींद आने लग गई। तो मैं कोई भी क्लास नहीं छोड़ना नहीं चाहती, चाहे हिंदी हो चाहे रीजनिंग हो, मैं प्रॉपर सारी क्लासेस लेना चाहती हूँ। अभी मेरा टाइम टेबल नहीं है, फिर भी मैं है ना सारे सब्जेक्ट कवर कर रही हूँ, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे रीजनिंग हो चाहे UPGK हो। लास्ट में मेरी आदत ऐसी हो जाती है मैं थक जाती हूँ प्रॉपर तरीके से, और अपनी दोस्त से कहती हूँ कि चल अब बैग पैक करते हैं। फाइनली हमारी गॉसिप स्टार्ट हो जाती है, गॉसिप गॉसिप गॉसिप। तो हम जब तक बैग पैक करते हैं ना हमारी पंचायत ख़त्म नहीं होती। वो कहते हैं ना दो लड़की लड़कियाँ हों या लेडीज़ें हों, अगर वो एक पास बैठा दो तो पंचायत तो होगी। तो कुछ हमारा ऐसा ही था, ऐसा नहीं हम क्लास लेते टाइम बातें करते हैं, या तो हम लंच कर रहे होंगे तब बातें करेंगे, या फिर हम बैग पैक करके जा रहे होंगे तब हम थोड़ी बहुत गॉसिप करते हैं। तो ये थी हमारी गॉसिप। वहां से निकल के सीधा हम घर के लिए निकले, लेकिन आगे रास्ते में कुछ काम था जहाँ की ट्रेन आ रही थी, तो हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़े वहां मजे लिए हमने। और जो ट्रेन वाले भैया थे ना वो हमको देख रहे थे, और उन्होंने आवाज निकाल के की कि हमें भी ले लो ब्लॉग में। तो सच में बहुत हंसी आई। तो निधि कह रही थी हाँ भैया हम तुम्हें ब्लॉग्स ले रहे हैं। तो बहुत टाइम बाद मालगाड़ी थी, तो आपको पता है इतना धीरे धीरे चलती है, बहुत टाइम बाद निकली, और इतनी गर्मी लग रही थी। अभी तो फिलहाल 3 बजे भी इतनी धूप रहती है। और वहाँ से हमने रिक्शा किया और हम घर के लिए निकले। अगर आपको हमारे ब्लॉग थोड़े भी पसंद आ रहे हों, अगर आपको कुछ और चाहिए हो या और PDF चाहिए हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये होली गेट है कौन कौन जानता है वो भी बताना। और यहाँ शंकर मिठाई वाला, अगर आप मथुरा से हो तो बताना किसने शंकर मिठाई वाले पर खाना खाया है, हमने तो